नमस्कार दोस्तों, जैसा कि ठंडियों का सीजन चालू हो चुका है, गर्मियों का सीजन जा चुका है, तो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मच्छरदान, जो कि बेहद ही उपयोगी होता है ठंडियों के सीजन में हम लोगों के लिए पानी गर्म करने के लिए। बहुत से लोगों के मन में संदेह होता है कि कैसे काम करता है, करंट लगता है या नहीं लगता है, शॉर्ट सर्किट होता है या नहीं होता, मतलब कितने चांस ऐसे, सेफ्टी कितना है इसमें, तो हम सब कुछ बताएंगे, पूरा डाउट आज क्लियर करेंगे। बने रहिए वीडियो को पूरा देखिए। देख रहे हैं आप तेज इलेक्ट्रॉनिक, मैं दिनेश वर्मा। तो दोस्तों आपको बता दें, जिस प्रकार से गर्मियों में लोगों के पास एसी और कूलर नहीं उपलब्ध हो पाता है तो सीलिंग फैन से ही काम चलाते हैं, उसी प्रकार से ठंडियों में बहुत ही उपयोगी है, जिनके पास गीजर नहीं रहता, पानी गर्म करने का मात्र एक साधन ही रहता है। तो आप लोगों को बता दें कि इमर्सन रॉड, काफी लोग ये सोचते हैं कि कौन सा इमर्सन रॉड खरीदें, किस कंपनी का खरीदें। हम बता दें आप लोगों को, किसी भी कंपनी का इमर्सन रॉड आप खरीद सकते हैं। क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपको दिखा दें आज, क्योंकि हम लोग अनबॉक्स कर चुके हैं इसको, किसी कंपनी का हम लोग नहीं बता रहे हैं, आपको बताएंगे सिर्फ क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ये अनबॉक्स करके पहले से रखे हैं। ये है लोकल इमर्सन रॉड, जो कि 250 रुपए का मार्केट में उपलब्ध होता है। ये है थोड़ा ब्रांडेड इमर्सन रॉड, 2 साल गारंटी के साथ आपको मार्केट में उपलब्ध होता है 400 से 500 रुपए में। तो आपको हम बताएंगे क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, पहले हम बताते हैं। देखिए इमर्सन रॉड जो भी हो, आपको एकदम इसका जो पॉलिश होगा एकदम चमचमाता दिखाई देना चाहिए, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगा होना चाहिए। कहीं भी अगर जंग के निशान है तो समझ लीजिए आपका लोकल इमर्सन रॉड है। प्लस इसके जो स्टैंड है ये हिलना नहीं चाहिए, दोनों के बीच में बहुत अच्छी सी पकड़ होनी चाहिए। आपका केबल का क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, आप देखने से ही पता चल जाएगा कितना अच्छा है। तो आप लोग वही लेने का प्रयास कीजिए जो 100-200 रुपए के आते हैं, 250-300 रुपए का, उसको मत लें, क्योंकि उसमें खतरा भी ज्यादा रहता है। देखिए किस प्रकार से यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ पे देखिए जंग के निशान भी रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ क्वालिटी यार कहने लायक रहती है, बस समझ लीजिए। तो आप लोगों को बता दें प्रयोग कैसे करना है। आप 16 एम्पियर का बोर्ड लगा हो, 3 पिन का टॉप उसमें आप लगाइए। उससे पहले आप बाल्टी, अगर आपकी स्टील की लोहे की है तो आप किनारे पे यहाँ पे एक हुक लगा होता है, देख सकते हैं आप, इसको यहाँ से फंसा दीजिए बाल्टी में किनारे, जिससे कि आपका ये हत्था नहीं डूबेगा और इसमें आपके शॉर्ट सर्किट होने का कोई चांस नहीं रहेगा, और पानी में रहना चाहिए। उसके बाद ही आप बटन को ऑन कीजिए, पहले इसको पानी में डाल दीजिए, नहीं तो पहले अगर हीट हो जाएगा तो फट जाता है, और फटने की कोई भी कंपनी आपको वारंटी नहीं प्रदान करती है। तो आपको बता दें तभी आप इसको डाल दीजिए, उसके बाद ही आप ऑन कीजिए। दूसरी बात, अगर आपकी प्लास्टिक की बाल्टी है, लोग कहते हैं हमारे तो फाइबर की बाल्टी है तो उसमें कैसे लगाएं, ये तो जल जाए किनारे लगेंगे, हाथ जल जाएगा। अगर आप किनारे लगते हैं तो इसकी गर्मी से बाल्टी पिघल जाती है। तो आप क्या कीजिए, सिंपली है कि इसके ऊपर एक डंडा रख दीजिए आप लकड़ी का, उसके बीच में इसको टांग दीजिए आप, बीचों बीच में रहेगा, पानी भी गर्म हो जाएगा और बाल्टी भी आपकी सेफ बची रहेगी। तो लोग, और एक सवाल आता है कमेंट में, आता है काफी सवाल आते हैं, जो कि लोग पूछते हैं कि इसमें करंट लगने के चांस रहते हैं या नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसमें करंट लगने के कोई चांस नहीं रहते, हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक का सामान है तो आप हाथ उसमें मत डालिए, प्लग को आप वहां से रिमूव करके ही हाथ डालिए, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक के सामान है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान और मेटल के होते हैं सामान, उसमें करंट आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो लेकिन अगर सही है तो करंट इसमें आता नहीं, आप बाल्टी में हाथ भी डाल सकते हैं, इसमें करंट नहीं आएगा, क्योंकि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बना होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी किसी की कंडीशन में अगर गड़बड़ हो जाता है तो करंट पूरी तरह से आते हैं। तो आप लोग सेफ्टी से इसका प्रयोग कीजिए, और जो भी हो उसका प्रयोग कीजिए, आप लोग लोकल लेने से बचिए। 300-400 रुपए का, 250-300 रुपए का लोकल आएगा, 400 से 500 रुपए में आएगा ओरिजिनल, जो भी किसी भी कंपनी का होगा, आपको मजबूती देखने से ही पता चल जाएगा, तो आप वो खरीद सकते हैं। दोस्तों और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप पुराने हैं तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इससे